everyone, welcome to Adbhut Batch. This is your English educator Palak Rakhyani. I hope you all are doing very well. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड एकदम रेडी हो गए होंगे हमारे नई बिगिनिंग के लिए, यानी क्लास 9th इंग्लिश का जो चैप्टर है द फन दे हैड, कि इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे NCERT सॉल्यूशंस की. As you all know, इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन समरी सब हमने देख लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से. नाउ इट इज़ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है. यानी आपकी जो बुक्स हैं NCERT, उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, एक्सरसाइजेस दी हैं, वो सब आप मेरे साथ जो है सॉल्व करेंगे. सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. चलिए, NCERT सॉल्यूशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वट हैपन्स इज कि मैम हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया, लेकिन एग्जाम में मेनली आता क्या है, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स. एंड कहीं ना कहीं होता है हम अपनी लैंग्वेज के कारण, बिकॉज ऑफ सम ग्रामेटिकल एरर्स, हम मार्क्स लूज कर देते हैं. सो नाउ बिकॉज यू आर माय स्टूडेंट्स, आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है गलती नहीं करनी है इसमें. सो वी विल टेल यू एवरीथिंग, हम पूरी शुरुआत करेंगे, बट वॉट आई वॉन्ट यू फ्रॉम यू ऑल इज कि यार आप अपनी बुक्स साथ में रखें, सो दैट यू कैन चेक द क्वेश्चंस एंड मेंटेन अ स्मॉल नोटबुक विद यू, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग आंसर्स नोट डाउन करते जाएं एंड साथ ही साथ उन्हें समझते जाएं. सो मूविंग ऑन, एक्सरसाइज में सबसे नंबर वन आपको दिखेगा, हेडिंग दिख रही है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच. नाउ लेट मी टेल यू कि इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है. इफ एग्जाम की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एक मार्क या दो मार्क में आते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, वन मार्क टू मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आपको आंसर करना है अराउंड 1-2 लाइंस में, यानी कुछ सेंटेंसेस में, आपको बहुत बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आराम से आप इसमें जो है फुल मार्क स्कोर कर सकते हैं. सो ओवर हेयर क्वेश्चन नंबर वन इज, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. सो लेट अस क्विकली रिवाइज, एज यू ऑल नो द फन दे हैड दो चिल्ड्रन, यानी दो बच्चों के बेस पे कहानी थी, फ्यूचर में सेट थी, ये लोग फ्यूचर में थे एंड कैसे ये रिमेम्बर करते हैं कि स्कूल डेज पहले कैसे हुआ करते थे. आज फ्यूचर में ये लोग जो है रोबोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, इनका कोई स्कूल नहीं है, घर पे ही बैठ के मैकेनिकल टीचर होमवर्क दे रहा है कि नहीं, सब कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं एंड ये याद कर रहे हैं कि उस ज़माने में, यानी उनके दादा दादी के ज़माने में कैसे स्कूल हुआ करते थे. आई होप इट इज क्लियर. सो यहाँ पे वी नो मार्गी कौन है, मार्गी इज अ गर्ल, टॉमी इज अ बॉय, मार्गी टॉमी से छोटी है. यानी मार्गी कितने साल की थी याद है, मार्गी है 11 साल की एंड टॉमी इज 13 ईयर. सो यू जस्ट हैव टू राइट अ वेरी सिंपल आंसर. द आंसर इज मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड. दैट विल बी योर आंसर. डोंट ओवर डू आंसर्स. आप ये मत सोचिए कि आप एग्जाम में बहुत पन्ने भरेंगे तो टीचर्स आपको मार्क्स देंगे. बी प्रिसाइज, अच्छे से आंसर लिखिए, ग्रामर करेक्ट कीजिए, आपको इन्हीं चीजों के मार्क्स मिलते हैं, ना कि आपको पन्ने भरने के. ठीक है, सो आंसर इज वेरी क्लियर. आई होप एवरीवन हैज नोटेड डाउन, मागी इज 11 एंड टॉमी इज 13 इयर्स ओल्ड. आई होप क्वेश्चन नंबर वन इज वेरी क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी. तो याद कीजिए, कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी कि मार्गी अपनी डायरी में कुछ लिखती है. डायरी हम सबको पता है, आपने कभी पढ़ी होगी डायरी एंट्री, तो यूजुअली काफ़ी लोगों का ऐसा शौक होता है, इंटरेस्ट होता है, वो एक छोटी सी डायरी मेंटेन करते हैं. जैसा एक दोस्त होता है ना, वैसे ही एक डायरी, यानी आज के दिन में उनके साथ क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा, वो सब उसमें लिखते हैं. तो सिमिलरली मार्गी अपनी एक डायरी मेंटेन करती थी, तो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा. तो मार्गी ने अपनी डायरी में ये लिखा था, टुडे 17th May 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक. ये एग्जैक्ट लाइंस हैं जो आपके चैप्टर में दिए गए हैं. दिस इज द रीजन आई ऑलवेज टेल यू कि आप अपनी NCERT बुक्स को अच्छे से गो थ्रू करें, जो मेरे वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, अच्छे से देखें, क्योंकि मैंने वहाँ लाइन टू लाइन बताया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका जब सटीक आंसर लिखोगे ना, कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकते हैं. ठीक है, तो मार्गी रोट इन हर डायरी. अब अगेन मेरी ड्यूटी है, मैं आपको ग्रामर के पार्ट भी बताऊंगी यहाँ, जहाँ गलतियाँ करते हो यूजुअली. राइट वर्ड लिखा है ना, WRITE, सबको पता है राइट का मतलब क्या होता है, लिखना. अब नाउ व्हेन वी आर राइटिंग दिस आंसर, जब मैं उत्तर दे रही हूँ, तो उत्तर मैं किस में दूंगी, पास्ट टेंस में, भूतकाल में. तो यहाँ राइट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, WROTE, रोट. These are a few points where you need to focus.
जहाँ पे हो सकता है अगर आप ग्रामर में गलती करोगे, आप टेंसेस चेंज करने में गलती करोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो मार्गी रोट इन हर डायरी, क्या लिखा उसने अपनी डायरी में, इन्वर्टेड कॉमास से चालू करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट शब्द बताने हैं, ठीक है। ये होते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास, एंड यहाँ पे आपको कॉन्टेंट लिखोगे। क्या लिखा है, टुडे 17 मई 2157, यानी ये ईयर है, जैसे ईयर आपको पता होता है ना 2023-24, तो ये कौन सा है 2157, यानी इतने फ्यूचर की बात है, 100 साल बाद। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने क्या लिखा, टॉमी जो था उसे क्या मिली, एक रियल बुक। रियल बुक यानी असली बुक, पेपर से बनी हुई, जो बुक आपके अभी शायद हाथ में होगी आपकी एनसीईआरटी, उसे वो बुक मिली। अब ऐसा क्यों लिखा था, वी ऑल नो बेटा 2157, इतने आगे साल में ये बुक खत्म हो गई थी। सब कुछ किस पे मिलता था आपको, टीवी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, रियल बुक कागज की बुक्स तब, यानी ऐसा माना जा रहा है कि उस टाइम पे खत्म थी। तो टॉमी को अपने परदादा की एक असली किताब, तो यहाँ से शुरुआत की थी मार्गी ने अपनी डायरी में लिखने की, ठीक है। क्लियर है सभी को, देखो वेरी प्रिसाइज आंसर है, बहुत ज्यादा हमने कंटेंट नहीं दिया है क्योंकि कुछ ही सेंटेंसेस में हमें आंसर देना था। ऑलराइट, इफ दिस इज क्लियर, फटाफट से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्वेश्चन का मतलब है क्या मार्गी ने इससे पहले कभी एक बुक देखी थी। बुक यानी किताब, कागज से बनी हुई, मार्गी ने क्या कोई किताब देखी थी, तो ये हमें पता है क्योंकि मार्गी छोटी थी, 11 साल की थी, एंड उसका अभी तक किससे नाता हुआ था, स्क्रीन से, है ना, कि डिजिटल स्क्रीन होती है इसी पे ही पढ़ाई होती है, यानी उसको तो ये अंदाजा भी नहीं था कि पेपर से भी किताबें बनती थी, पेपर पे लिखा जाता था। ओके, सो द आंसर विल बी वेरी क्लियर, आपको नो लिखना है और कॉमा लगाना है। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, मार्गी ने इससे पहले एक रियल बुक कभी नहीं देखी थी। आई होप यू ऑल हैव नोटेड डाउन द आंसर्स। चलिए मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू, यहाँ पे है कि मार्गी को उस बुक में ऐसी कौन सी चीज है जो स्ट्रेंज लगी, स्ट्रेंज यानी अजीब क्या लगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो बुक थी ना, नाउ एज यू ऑल नो व्हाट शी न्यू, शी ओनली न्यू अबाउट स्क्रीन। अब उसकी स्क्रीन में कैसा होता था मैं बताती हूँ, मार्गी की जो, यानी ये मान लो कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पे कॉन्टेंट्स आते थे, जैसे मान लो आ रहा है द मैन स्टूड, ये चलते जा रहे हैं, ये ऊपर जाता जा रहा है, ये कॉन्टेंट ऊपर गया फिर दूसरा कॉन्टेंट आया, ये ऊपर गया दूसरा, यानी स्क्रीन पे ही हजारों बुक्स, हजारों कंटेंट आ रहे हैं। लेकिन एक रियल बुक में कैसा होता है, आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 7 निकालो, ठीक है, पेज नंबर 7 निकालिए फटाफट। अब उस पेज पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप आ जाओ पेज नंबर 30 पे, ऑल राइट, नाउ फिर गो बैक टू पेज 7, क्या वही कॉन्टेंट्स लिखे थे, बोलो हाँ मैम कुछ नहीं बदलेगा, बुक से कैसे बदल सकता है कुछ। तो यही तो बात है, मार्गी के लिए वो काफी शॉकिंग था कि उस बुक पे सब वही लिखा है, लेटर एकदम स्टिल है, डांस नहीं कर रहे हैं जैसे ये स्क्रीन पे करते हैं, ऊपर ऊपर चलती जाती है, क्योंकि उस बेचारी का तो वही हैबिट थी, शी वॉज वेरी यंग, 11 ईयर्स की थी वो, तो उसको यही पता था कि बुक्स मतलब क्या होती है, ये जो हमें स्क्रीन पे दिखती है। तो उसको ये क्या बात अजीब लगी, सबसे पहली तो द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। येलो एंड रिंकल्ड पेजेस क्यों हो जाते हैं, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, कभी आपकी बुक ना बहुत पुरानी कोई रखी हो ना, दादा दादी के कोई किताबें रखी हों, तो आप देखना तो वो पीली पड़ जाती है ना टाइम के बाद, और रिंकल पड़ जाते हैं यानी उस पर सिलवटें आ जाती हैं। तो पहली बात तो ये थी, दूसरा द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ड्स स्टिल थे। स्टिल का मतलब क्या होता है, स्टिल का यहाँ पे मतलब है एक जगह पर, वर्ड्स हिल नहीं रहे थे, जैसे स्क्रीन पे वर्ड्स आते जाते हैं ना, आपने कभी देखा होगा यूं यूं चल रहे हैं, तो बुक में वर्ड्स स्टिल थे, ये इसको बात बड़ी अजीब लगी। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो शब्द कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे मूव करते हैं वैसे मूव नहीं कर रहे थे। शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज, और यही कुछ चीजें थी जो मार्गी को पहली बार जब उसने बुक देखी तो अजीब लगी। तो अगर आप ये पॉइंट्स लिख के आएंगे आपको बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है। चलिए देखो स्टोरी की डिटेल्स याद रखा करो, इंग्लिश की स्टोरीज आर नॉट बहुत बड़ा डील है, ये कहानियां हैं और कहानियां तो हमें याद रहती हैं,
जैसे मूवी की स्टोरी है, मैं आज तुमसे पूछूं कि उस वाली मूवी में क्या कहानी थी, तुम बैठ के बता दोगे 3 घंटे की मूवी. तो सेम इज विद स्टोरी. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. चलिए फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, कि आपको क्या लगता है एक टेली बुक क्या होती है. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट दिस टर्म हैज बीन यूज्ड इन द लेसन. लेसन में ये वर्ड यूज किया गया था. तो टेली बुक बेसिकली, मैं आपको आंसर पहले समझाती हूँ फिर दिखाऊंगी. टेली बुक कुछ नहीं है, एक रियल बुक जैसी ही होती है, पर ये बुक आपको किस पे मिलती है, ये आपको डिजिटली मिलती है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलती है. जैसे आपकी नॉर्मल बुक होती है तो आपने देखा होगा, क्योंकि अब तो यू ऑल कैन एक्सेस एवरीथिंग, आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन पे कभी कोई बुक डाउनलोड की होगी ना, तो उन्हें हम टेली बुक या ई बुक्स कहते हैं. ऑलराइट, सो इसी वे में आपका आंसर जाएगा. सिर्फ 2 लाइंस में हमने इसे कंक्लूड किया है. आइए आंसर पढ़ते हैं. अ टेली बुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, आपको टेलीविजन की स्क्रीन पे या कोई भी डिजिटल स्क्रीन पे देखने को मिलेगा. एंड द टेक्स्ट ऑफ अ टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक, और टेली बुक का जो टेक्स्ट है यानी उसमें जो भी शब्द लिखे गए हैं, जो बातें लिखी गई हैं, वो एक किताब जैसे ही होते हैं. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इसका इजी सा आंसर है. ओके, अ टेली बुक इज डिस्प्लेस्ड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ अ टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक. सिमिलर का मतलब क्या होता है, सेम, है ना. सिमिलर यानी क्या होता है, सेम. आई होप इट इज क्लियर. चलिए, आई होप फटाफट से नोट डाउन कर लिया होगा. तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स रीड द क्वेश्चन. वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स. सो नाउ यू कैन सी, है तो ये क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इस एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं. मैं इस बात पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है. जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन देखा और वो सिर्फ एक ही पार्ट का आंसर दे के आ जाते हैं, दूसरा पार्ट भूल जाते हैं. रिमेंबर, इन दोनों पार्ट्स के मार्क्स होते हैं. तो अगर आपने एक पार्ट सही लिखा, दूसरे का आंसर नहीं दिया, तो वो आपका मार्क्स कट हो जाएगा. जैसे मान लो 1 मार्क का पूरा क्वेश्चन है, तो आधा मार्क होगा फर्स्ट पार्ट के लिए यूजुअली एंड आधा सेकेंड पार्ट के लिए. सो रिमेंबर व्हेन यू आर रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर, अच्छे से आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करो. चलिए फटाफट पर क्वेश्चन से आते हैं. क्वेश्चन है, मार्गी का स्कूल कहाँ था एंड दूसरा, क्या उसके कोई क्लासमेट थे. जैसे आप स्कूल जाते हो, आपके क्लासमेट होते हैं, क्या मार्गी के थे, नहीं. तो हमें क्लियरली पता है मार्गी का स्कूल कहाँ पे था, उसके बेडरूम के बगल वाला रूम, है ना. यहाँ उसका बेडरूम है और उसके बगल वाले रूम में बड़ी सी स्क्रीन लगी है, वही उसका स्कूल है. जैसे ऑनलाइन क्लास होती है ना, वैसा. अब क्या उसके कोई क्लासमेट थे, नहीं, कोई क्लासमेट नहीं थे, क्योंकि वो ना किसी स्कूल में जाते हैं. अब फ्यूचर का टाइम है, 100 साल बाद की बात है, तो ना कोई स्कूल है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई क्लासमेट है, सिर्फ एक मैकेनिकल रोबोट टीचर है. सो इसी टाइप से आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे. मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम. मार्गी का स्कूल, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर विद यू, पर फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, है ना. मार्गी लिखा, अपोस्ट्रफी लगाया एस, मार्गी स्कूल. तो ये सबको पता है ना अपोस्ट्रफी एस का मतलब क्या होता है. अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो इसका मतलब हुआ मार्गी का स्कूल, ठीक है. तो ये गलती मत करना कि यहाँ पे अपोस्ट्रफी लगाया है, नहीं, एस कर दिया, मार्गी को प्लूरल बना दिया, बहुवचन. नहीं, अपोस्ट्रफी लगाना बहुत जरूरी है, इसका मतलब होता है मार्गी का स्कूल, ठीक है, क्लियर है. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप जरूर याद रखेंगे. नेक्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन कहता है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न. मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट यानी कौन से विषय पढ़ते थे. तो आपको दिया गया था कि वो जो है ज्योग्राफी और मैथ्स, क्योंकि आप उसमें बहुत सारे नाम आपको नहीं दिए गए थे, पर 2 चीजें दी गई थी. एक तो मेन ज्योग्राफी के बारे में बताया था और दूसरा मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स टॉमी के लिए था. क्लियर है, याद है ना वो कहानी जहाँ ज्योग्राफी में मार्गी को बहुत दिक्कत आती है आगे, है ना. तो अभी यही 2 मेन सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए थे, तो आप वही नोट डाउन कर दें. मार्गी लर्नड ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स. देखो यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, लर्न का पास्ट टेंस क्या लिखा है यहाँ पे, LERNT, लर्नड, क्योंकि जब हम आंसर दे रहे हैं तो हम उसे पास्ट टेंस में पुट करेंगे.
सो मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, भूगोल और गणित पढ़ती थी वो, एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. टॉमी क्या पढ़ता था? हिस्ट्री के बारे में पढ़ता था और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ता था. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो चुका है जहां पे फ्यू सेंटेंसेस में आंसर करना था. अब आप ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू दी स्टोरी. इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है मैं आपको बता देती हूँ. ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं मार्क में, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में आपको ये क्वेश्चंस काफी आते हैं. क्वेश्चन वन है आई वुडंट थ्रो इट अवे. यहाँ ये लोग क्या करते हैं मैं बताती हूँ. लेसन की लाइन उठा के, है ना, लेसन की लाइन उठा के यहाँ डाल देते हैं और फिर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि बताओ ये बात किसने कही, बताओ इस बात में इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये बात क्यों कही गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए. देखो क्वेश्चन वन है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन की लाइन है आई वुडंट थ्रो इट अवे या फिर आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी. अब ये किसने कहा है? तो नंबर वन क्वेश्चन आ गया हु सेज दीज वर्ड्स, किसने कहा, व्हाट डज इट रेफर टू. यहां देखो यहां पे इट कहा गया है ना, ये इट किसके लिए बोला गया है कि तुम क्या नहीं फेंकोगे. एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, तो यानी इसे किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है. सिंपल सी बात है, आपको आंसर भी कैसा देना होगा, ऐसे ही जैसे आप लिखोगे एग्जाम में. आप लिखना आंसर वन, वन का आंसर यहाँ, टू का आंसर यहाँ, तीन का आंसर यहाँ, क्योंकि तीनों पार्ट्स के मार्क्स होते हैं, तीनों के अलग अलग से आप आंसर देंगे. ओके, सो बिगिनिंग नंबर वन, जैसे मैंने बताया कौन बोलती है ये लाइन, अब बोलती है यानी लड़की है, कौन है, मार्गी. मार्गी सेज दीज वर्ड्स. मार्गी ऐसे वर्ड किसे बता रही है ना, क्यों बोल रही है, वो ये बता रही है कि मैं जो ये किताब है किस चीज को नहीं फेंकेगी वो. इट कौन है यहाँ पे, रियल बुक. देखो होता क्या है स्टोरी की, अपन थोड़ी लाइन बता देते हैं कि टॉमी जो है मार्गी से कहता है कि ये जो है किताब मिली है ना, तो तुम्हें अगर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पहले के टाइम में कैसा होता था कि अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको हटा दो, मत पढ़ना, फेंक देना. तो यहाँ पे मार्गी कहती है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. तो यहाँ इट क्या है, इट रेफर्स टू द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड. तो इट किसके लिए कहा गया है, उस रियल बुक के लिए कहा गया है जो टॉमी को मिली थी अपने घर से. ओके, एंड थर्ड स्पीकर क्या बोल रहा है, ये स्पीकर किससे कंपेयर कर रहा है बुक को, तो टेली बुक से कंपेयर कर रहा है. द स्पीकर कंपेयर्स इट विद अ टेली बुक. आपको याद है कि नहीं सारी चीजें, एक बार फिर से रिकॉल करो. देखो जो रियल बुक है पेपर बुक, उसको किससे कंपेयर किया गया है, टेली बुक से, है ना, कि टेली बुक रियल बुक जैसी ही होती है, बस रियल बुक पेपर की होती है ना, पेपर से बनी है, उस पर इंक से लिखा रहता है, उसके उसका जो है कंटेंट वहीं का वहीं रहता है, शिफ्ट नहीं होता है. टेली बुक क्या है, ये आपको डिजिटल स्क्रीन पे दिखेगी, है ना, इसका कंटेंट आगे पीछे आप कर सकते हो, बुक की तरह ही रहता है, बस आप आगे पीछे उसको कंटेंट कर सकते हो. क्लियर है, चलिए वेरी इजी. I hope the answers have been done. So let's move on. Question number two. Question number two again lesson की line है. जरा पढ़ते हैं इसे. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. यानी क्या बताया गया है? Sure, यानी मार्गी और टॉमी इन लोगों के teacher होते हैं. यानी मार्गी और टॉमी के teacher हैं. तो वैसे ही यहाँ पे ये line कौन कह रहा है? ये line टॉमी कह रहा है. क्या कहता है? श्योर दे हैड अ टीचर, यानी हमारे दादा दादी परदादा परदादी का टीचर होता था, है ना, ये मार्गी को बातें बता रहा है. बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो हमारे जैसा टीचर नहीं था, मैकेनिक टीचर, रोबोट नहीं था. इट वॉज अ मैन, मैन यानी हम इंसान, हम ह्यूमंस पढ़ाते थे, ये टॉमी बताता है. तो तीनों क्वेश्चन क्या है, नंबर वन हु डज दे रेफर टू, यहाँ दे किसके लिए कहा गया है. तो अगर कहानी याद हो, टॉमी और मार्गी बातें कर रहे थे. अब तुम्हें पता यार, बड़े बच्चे थोड़ा ज्यादा समझदार होते हैं, है कि नहीं. तो टॉमी बड़ा था, 13 साल का 11, तो टॉमी इसको बातें बता रहा था. मार्गी कहती है कि उस टाइम में इनके टीचर नहीं होते थे यहाँ, है ना. तो टॉमी कहता था श्योर उनके टीचर तो होते थे, लेकिन उनके जो है मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, रेगुलर टीचर नहीं होते थे, इंसान होते थे, क्योंकि इन बच्चों ने तो इंसानों से नहीं पढ़ा था, ये तो रोबोट से पढ़ते थे. तो यहाँ दे किसके लिए कहा गया है, दे यानी इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, बेसिकली पीपल ऑफ ओल्ड टाइम्स, उस टाइम के लोगों की बात की गई है. ओके, पहले के टाइम्स के, 100 साल पुरानी बातें. सो दे रेफर टू द पीपल ऑफ ओल्ड टाइम.
ऑलराइट, आप यहाँ पे लिख सकते हो दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम लाइक देयर ग्रैंड पेरेंट्स. आप लाइक देयर ग्रैंड पेरेंट्स भी लिख सकते हो. ओके चलिए, वॉट डज रेगुलर मीन हेयर. यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है? अब मैं तुम्हारी बात करूँ तो तुम अभी किससे पढ़ रहे हो? इंसान से पढ़ रहे हो. तुम्हारे लिए रेगुलर टीचर कौन होगा? स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए हो गए हम ह्यूमंस, है कि नहीं? लेकिन मार्गी और टॉमी के लिए रेगुलर टीचर कौन था? रोबोट्स थे, क्योंकि उन्होंने इंसानों से नहीं पढ़ा था. सो आंसर विल बी हेयर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड. ओके, मैकेनिकल टीचर की बात है. एंड थर्ड, वॉट इज इट कंट्रास्टेड विथ? इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का बेसिकली मतलब है कंपेरिजन. इन दोनों का कंपेरिजन किससे किया गया है? तो इट इज कंट्रास्टेड, एक रेगुलर टीचर को किससे कंट्रास्ट किया गया है? इट इज कंट्रास्टेड विद अ नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स हु वाज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग. तो दोनों का कंट्रास्ट कहाँ है? कि मैकेनिकल टीचर को किससे कंपेयर किया गया है? नॉर्मल टीचर से, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनसे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. देखो ईच पार्ट में इट्स जस्ट, सब समझ गए होंगे कि चैप्टर की लाइनें, लेसन की लाइनें पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं से भी आपको लाइन उठा के डाल देंगे एंड इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ देंगे. ओके, सो दोज हु हैव लर्न्ड द लाइंस वेरी वेल, दे नो ईच ऑफ द आंसर्स. ओके, ऑल गुड. चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट क्वेश्चन. थर्ड पार्ट क्या कहता है? आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. अब आती है कहानी थोड़े एक्सप्लेनेशन की, यानी दीज मस्ट बी क्वेश्चन जो आपसे 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं. आपको पैराग्राफ में आंसर देना है, यानी अबाउट 30-40 वर्ड्स में आपको यहाँ पे आंसर करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के टीचर किस टाइप के थे? तो यहाँ आपको अब सिंगल लाइन में आंसर नहीं देना है, आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स सी द आंसर. मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. आई होप यू कैन ऑब्जर्व, क्वेश्चन में हैव दिया है, आंसर में हम पास्ट टेंस हैड लगाएंगे. मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ? रोबोट्स. मैकेनिक मतलब क्या होता है भाई? मशीन जो होती है, है कि नहीं? तो दे हैड मैकेनिकल टीचर्स. दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स. और उन्हें रोबोट कैसे पढ़ाता था? जैसे एक टीवी स्क्रीन होती है या कंप्यूटर स्क्रीन होती है, वहां पे वो टीचर आता था एंड उन्हें पढ़ाता था, यानी वर्चुअली वो लोग पढ़ते थे. दे डिडंट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर हु वुड टीच द पीपल्स इन अ क्लासरूम. यानी उनके पास एक लिविंग पर्सन, जीवित इंसान, यानी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं इंसान हूँ, है ना? तो ऐसा टीचर उनके पास नहीं था जो एक क्लासरूम में बैठ के, जैसे आप मान लो स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना, ऐसे बैठ के नहीं पढ़ाता. यहाँ आप अभी पढ़ रहे हो, आपके बैच में और दोस्त पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कोई नहीं पढ़ाता था. ओके, एंड मैकेनिकल टीचर सबको इंडिविजुअली, एक एक को अलग अलग चीजें पढ़ाता था. अभी यू गाइस आर इन क्लास 9th, सो यू ऑल आर स्टडिंग दिस लेसन, है ना, आप पढ़ रहे हो यही लेसन. बट यहाँ पे क्या होता है, मार्गी और टॉमी के जो है टीचर्स, ये कैसे पढ़ाते हैं? हर स्टूडेंट को अलग, यानी क्लास 9th के 10 स्टूडेंट है तो 10 के लिए अलग सिलेबस. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. इस टाइप से आप पैराग्राफ में कंपोज करके आंसर्स अपने लिख सकते हैं. आई होप दिस इज डन. ओके, इफ यू वांट यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन द आंसर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. तो आते हैं काउंटी इंस्पेक्टर वाली कहानी पे. कहानी को थोड़ा रिकॉल करते हैं, ज्योग्राफी वर्ड लिखूंगी तो याद आ जाएगा शायद, है कि नहीं? हुआ क्या था? यस, याद आया क्या? कि मार्गी के ना ज्योग्राफी का टेस्ट हो रहा था, यानी इसका जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा, टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा. और हुआ क्या, बेचारी मार्गी वर्स एंड वर्स, यानी खराब ही खराब करे जा रही थी, मतलब इतने बुरे स्कोर आ रहे थे. सो नेचुरल सी बात है, इतना बुरा स्कोर आया तो उसकी मदर को टेंशन हो गई. तो उन्होंने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. क्या बोला? कि आप आइए और यहाँ पे आके चेक कीजिए. काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली जो इंस्पेक्ट करते हैं, जांच करते हैं कि मैकेनिकल टीचर अब बना तो मशीन से ही है, तो उसके सिस्टम में, उसकी वायरिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं आई. ओके, सो दिस इज द स्टोरी लाइन एंड इसी टाइप से आप आंसर को कंपोज करेंगे. सो फर्स्ट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आंसर सोचो एंड देन उसे कॉपी पे उतारो. हियर इज द आंसर, लेट्स रीड इट. मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर because the mechanical teacher was not functioning efficiently.
It had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. Okay, तो आंसर क्या है? मार्गी की माँ ने, देखो ये लगाया ना apostrophe s, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए क्यों भेजा, क्यों बुलाया उनको? बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली. एफिशिएंटली मतलब क्या होता है? सही तरह से 100% वर्क ढंग से वो नहीं कर रहे थे. इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी एक के बाद एक कंटिन्यूअस टेस्ट के पे टेस्ट देते जा रहे थे इन ज्योग्राफी. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, यानी बद से बदतर, खराब से खराब कर रही थी वो टेस्ट में स्कोर. ओके, all right, wonderful. Moving on to question number 3. What did he do? और उसने क्या किया? He यहाँ पे आप समझे कि क्या हुआ है. He clearly समझ गए, he is county inspector के लिए, कि वो आए और उन्होंने क्या किया. So he slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. The mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of Margie. इसका आंसर को मैं समझाती हूँ. आपको याद है ना काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? उन्होंने मैकेनिकल टीचर के बढ़िया पुर्जे वुर्जे खोले और उन्होंने देखा इसमें क्या प्रॉब्लम है. क्या हो गया था कि गलती से उसका जो पावर है, जो स्पीड है ना, वो हाई लेवल पे सेट हो गई. अब मार्गी वॉज एवरेज लाइक 11 ईयर्स ओल्ड की थी, है ना, तो 10 ईयर 11 ईयर के पेपर वो सॉल्व करती, लेकिन वो बढ़ गया था. तो क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने? उन्होंने जो टीचर की स्पीड थी उसको किस पे सेट कर दिया? एवरेज 10 ईयर. यस, मार्गी वाज 11 ईयर ओल्ड, लेकिन एवरेज 10 ईयर के बच्चे जो सॉल्व करते हैं उतना उन्होंने लेवल रख दिया था, ताकि उसे जो क्वेश्चंस हैं उसके ही कोर्स से, उसके सिलेबस से आए. द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड. कैसे कंट्रोल और एडजस्ट की गई थी? अकॉर्डिंग टू IQ level of Margie. IQ क्या होता है? Intelligence quotient, यानी जितना उसका IQ level था, जितना उसका mind ले पाता, उस level पे उन्होंने set कर दिया था किसे? Mechanical teacher को. Okay? So this is the answer. Note it down very quickly. And now let's move on to question number 4. Question number 4 says, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? You all can see again. इस क्वेश्चन में भी हमारे दो पार्ट हैं, तो हम दोनों पार्ट का आंसर देंगे. पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन कहता है, मार्गी ज्योग्राफी में इतना बुरा क्यों कर रही थी? अभी अभी हम ये आंसर डिस्कस करके आए हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है. एक चीज और बता देती हूँ, कभी कभार क्या होता है, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगर एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी द एग्जामिनर विल गिव यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन. दे कैन जस्ट चेंज द क्वेश्चन अ बिट एज वेल. ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में हल्के से चेंजेस आते हैं तो आप घबराया मत करो, क्वेश्चन समझ के उसका आंसर आप दे सकते हैं. लेट्स गेट द आंसर क्विकली, क्योंकि अभी अभी सेम टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम देखते हुए आ रहे हैं, तो फटाफट से रीड करते हैं. मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी. क्या था रीजन? दिस वॉज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनेयर. क्वेश्चनेयर क्या होता है? बेसिकली जो स्क्रीन पे क्वेश्चन की सीरीज आती है वो होती है. Now let me tell you one thing. अगर होता है कि आपको भाई मैम एग्जाम में ये वर्ड, शायद एग्जाम में टेंशन होती है, ये वर्ड नहीं आए, तो इट्स वेरी बेसिक, आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, टेस्ट पेपर भी लिख सकते हो. मैं मतलब अपने हिसाब से आप सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर कुछ याद होता है ना कभी कभार नहीं आए, आई नेवर सजेस्ट कि आप इंग्लिश में बहुत ही खतरनाक वाले वर्ड सीखो ना. आपको नहीं याद आता है, इट्स फाइन, कीप इट बेसिक. बस मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको ग्रामर बिल्कुल करेक्ट रखनी है. ग्रामर गलत कर दोगे तो मार्क्स लूज हो जाएगा. क्वेश्चन एयर की जगह टेस्ट पेपर लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है, है ना, दोनों का मतलब सिमिलर ही है. ऑलराइट, फिर आगे पढ़ते हैं. काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? ये सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर हो गया. द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? उन्होंने उसकी स्पीड को एडजस्ट किया मार्गी की एज के हिसाब से, ताकि उसी के लेवल के क्वेश्चन उससे पूछे जाए. Thus, the mechanical teacher's speed was controlled appropriately. यानी सही तरीके से उनकी स्पीड कंट्रोल कर दी गई थी. Appropriately यानी सही तरीके से. The county inspector assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory. तो क्योंकि उन्होंने देखा ना उनकी मम्मी काफी टेंशन में थी, तो उन्हें मतलब थोड़ा शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने अश्योर किया, ये दिलासा दिया कि जो ओवरऑल पैटर्न था, यानी मार्गी का जो प्रोग्रेस है, वो बहुत ही सही था, काफी सैटिस्फैक्ट्री था, है ना, संतोषजनक था, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके,
सो दिस इज हाउ यू कैन पुट अप योर आंसर एंड यू आई होप यू ऑब्जर्व कि हमने दोनों पार्ट्स का आंसर इसमें इंक्लूड किया है. ओके ग्रेट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर. एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था. तो ये कहानी कब सुनने को मिली थी बताती हूँ. बेसिकली मार्गी का टीचर जब ये खराब हुआ, मैकेनिकल टीचर, तो इंस्पेक्टर आए और उन्होंने एट अ टाइम टीचर को ठीक कर दिया. तो मार्गी दुखी हो गई. अब दुखी क्यों हो गई, बिकॉज याद है मार्गी को नहीं पढ़ना पसंद था मैकेनिकल टीचर से, क्योंकि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन देता था और बहुत बोरिंग क्लास होती थी. तो उसने क्या सोचा था कि जैसे टॉमी का टीचर एक बार जो है पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, पूरा मतलब उसका हिस्ट्री का जो पूरा पार्ट था वो पूरा ब्लैंक हो गया, तो उसके टीचर को यानी उसकी जो स्क्रीन है उसको ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 1 month एक महीने तक लेके चले गए थे. तो एक महीने तक टॉमी को नहीं पढ़ना था. तो बच्चों के लिए तो यही बढ़िया बात होती है ना कि नहीं पढ़ना है हमको, है कि नहीं. तो यही चीज जो है मार्गी सोच रही थी. सो व्हाट हैपेंड वंस टू टॉमीज टीचर, हम दे सकते हैं आंसर. टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड, ही ओनली रिलैक्स्ड एंड एंजॉय. तो काफी सिंपल सी बात है, टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए ले गए थे. क्यों? बिकॉज उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर है या जो पार्ट है पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, यानी स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था. होता है ना हमारे साथ, देखो डिजिटल चीज़ों में, गैजेट्स में यही होता है. समटाइम्स इट हैपन्स, हमारा फोन, हमारा लैपटॉप जो है ब्लैंक आउट हो जाता है, कुछ एरर आ जाता है, वायरस आ जाता है. तो ये हुआ था. तो उस टाइम में अब क्योंकि स्क्रीन चली गई, कोई वर्चुअल स्कूल नहीं थे, ह्यूमंस नहीं थे, तो उसके पास कुछ नहीं करने का था, तो बड़ी आराम और इन्जॉय कर रहा था. ओके ऑल राइट, सो दिस इज योर आंसर. Moving on to question number 6. Question number 6 says, did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Now the thing is, कि होता क्या है, जैसे हम ये सोच रहे हैं कि वर्चुअल क्लासरूम थी तो घर में ही है, कभी भी चाहे हम उस क्लास को ऑन करें. रोबोट है भाई, अब ह्यूमन टीचर तो है नहीं कि आप पलक मैम को बोल रहे हो पलक मैम रात में 2 क्लास लेने आओ, तो ये तो पॉसिबल मतलब होना मुश्किल है भाई. तो यहाँ पे क्या सीन था कि यहाँ पे तो मैकेनिकल टीचर है, जब चाहो आप क्लास ले सकते हो. तो यही क्वेश्चन पूछा गया है. तो इस केस में क्या मार्गी के रेगुलर डेज और आवर्स, यानी एक फिक्स टाइम पे, जैसे अब मान लो हमारी क्लास 3 होती है शाम, दिन में शाम में 5, सुबह 6 है, तो क्या मार्गी का भी ऐसा ही था? अगर हाँ तो ऐसा क्यों? तो वी ऑल नो द आंसर. क्यों? उसकी मम्मी को ये लगता था कि लिटिल गर्ल्स जो हैं एक सही एज पे बिल्कुल अपना डिसिप्लिन सीख जाएं, पढ़ाई कर लें तो अच्छा होता है. इसे को ही हम आंसर में कोट करेंगे. यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स. यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी लड़कियां होती हैं, अगर होता है ना डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, रेगुलर आवर्स यानी आप डेली एक ही टाइम पे एक ही चीज फॉलो करो. आप स्कूल का टाइम रोज तो नहीं बदलता है, लेकिन स्कूल का टाइम 7:30 है, 8 है, तो वही रहेगा. तो सिमिलरली इससे क्या होता है, आप क्या सीखते हो लाइफ में, सिंसियर होना. तो वो यही चाहते थे कि मार्गी छोटी है और इस एज में अगर वो रेगुलर टाइम पे क्लास अटेंड करेगी तो उसके लिए अच्छा होगा, वो अच्छे से सीख पाएगी. ओके, दिस वाज द आंसर. क्विकली नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. चलिए आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन कहता है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. टॉमी ने ओल्ड यानी पुराने जमाने के, उसके परदादा के टाइम में कौन से स्कूल हुआ करते थे, वो स्कूल अभी के स्कूल से यानी फ्यूचर के स्कूल से अलग कैसे थे. सो टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, यानी टॉमी और मार्गी के टाइम से काफी अलग थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर टू स्टडी. यानी जैसे हमारे होते हैं एक स्पेशल प्रॉपर बिल्डिंग होती है, स्कूल का एक नाम होता है, एंड सभी बच्चे वहाँ आते थे स्कूल में पढ़ाई करने, बढ़िया यूनिफॉर्म पहन के, अपनी बुक्स लेके. दे लव्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, एंड स्कूल के जो यार्ड है, गलियारा होता है, वहाँ पे हंसते थे, खेलते थे, बातें करते थे, मस्ती करते थे, जैसा आप लोग अपने स्कूल में करते हो, राइट. दे इंजॉयड टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन्स टुगेदर इन अ क्लास रूम. वो एक साथ अपना वक्त बिताते थे दोस्तों के साथ, एंड स्पेशली
स्कूल के दोस्तों के साथ बिताया वक्त बहुत ही स्पेशल होता है। मैं हर स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि जिस टाइम में हो उसको एम्ब्रेस करो, खुश रहो। कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं कहते हैं हम जल्दी बड़े हो जाए, नहीं, स्कूल टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि आज व्हेन वी आर एट दिस लेवल वी ऑलवेज रिमेंबर आवर स्कूल। तो यही चीज़ थी कि वहाँ पे जो है बच्चे जो है टाइम साथ में इंजॉय करते थे एंड साथ में बैठ के एक क्लासरूम में, क्योंकि इन लोगों के लिए क्लासरूम मार्गिया टॉमी के लिए बड़ी बात थी, वो तो घर में पढ़ते थे, तो एक प्रॉपर क्लासरूम होता है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं एंड एक ह्यूमन टीचर भी होता है उनके साथ में, सब साथ में बैठ के एक ही लेसन या एक ही चीज़ पढ़ते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास नाइन्थ है तो क्लास नाइन्थ की इंग्लिश में सभी ये लेसन पढ़ रहे हैं, द फन दे हैड। ऑलराइट, सो दिस इज द वे टॉमी ने ओल्ड स्कूल यानी पुराने जमाने में जैसे स्कूल होते थे उन्हें डिस्क्राइब किया। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। अभी तो पूछा ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल कैसा था, अब पहले के टाइम के टीचर्स यानी शिक्षक कैसे हुआ करते थे। सो ही सेज दैट द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, यानी जैसे लिव इन द हाउस का मतलब है टीचर घर में तो रहते हैं लेकिन स्टूडेंट के घर में नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पे मार्गी का बेडरूम है और यहाँ पे इसका क्लासरूम है और यहाँ पे मैकेनिकल टीचर है, यानी कहने को तो यही ना टीचर घर में ही है क्योंकि स्क्रीन पे है। तो ऐसा नहीं होता था ओल्ड टाइम में, टीचर किसी के घर पे नहीं रहते थे स्टूडेंट के, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। यानी वो ऐसा नहीं है घर घर जाते थे, एक स्कूल होता था वहाँ टीचर आता था एंड वहाँ सारे स्टूडेंट्स भी आते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स और वो टीचर्स स्टूडेंट्स को होमवर्क देते थे, यानी वो वर्क जो आप होम में जाके करो क्योंकि स्कूल अलग बिल्डिंग है, होम अलग बिल्डिंग है। और यहाँ पे मार्गिनों के साथ कैसा होता है, वो होम में ही तो है, होम में ही पढ़ाई कर रहे हैं, होम में ही होमवर्क हो रहा है, होम में ही क्लास वर्क हो रहा है। राइट, दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट लिविंग ह्यूमन बींग्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैकेनिकल टीचर्स यानी वो मैकेनिकल रोबोट्स नहीं है, वो कौन है, ह्यूमन बींग्स है, आप और हमारे जैसे। ऑलराइट, सो दिस इज द वे टॉमी डिस्क्राइब कि उस टाइम में कैसे टीचर्स हुआ करते थे। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, अब आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे जिसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी कहा जाता है इन्हें, यानी आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स 100 से 150 वर्ड्स। यानी आप समझ गए आराम से 5 मार्क के क्वेश्चन या कहीं पे और ज्यादा मार्क के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पार्ट थोड़ा और लेंदी होगा, थोड़ा और डिस्क्रिप्शन जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन देयर स्टोरी। ओवर हियर नाउ यू डोंट हैव टू समिट आउट इन 3 or 4 लाइंस, यू हैव टू बिल्ड बिग पैराग्राफ्स। आपको अच्छे से पूरी जो है ना, इसको आप मान सकते हो इन क्वेश्चंस में काइंड ऑफ समरी हो जाती है, सारांश हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्या मेन फीचर्स, ऐसे क्या मुख्य बातें बताई हैं किसके लिए, मैकेनिकल टीचर के बारे में और स्कूल टीचर के बारे में जो मार्गी और स्टोरी के पास, मार्गी एंड टॉमी के पास है। तो यानी मार्गी और टॉमी फ्यूचर की बात है, मैकेनिकल टीचर्स है, स्क्रीन पे सब कुछ होता है, तो ये सारी चीजें हमको फीचर्स बताने हैं। सो लेट्स बिगिन विद द आंसर। मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, दे नीड नॉट गो टू स्कूल फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन। यानी उन्हें किसी स्कूल में, किसी बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है एक प्रॉपर एजुकेशन लेने के लिए। द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द हाउस एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर्स। यानी उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उनका टीचर घर में ही एक रूम में मैकेनिकल टीचर रख देते हैं, उन्हें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों का नॉलेज मिल सकता है इंडिविजुअली, यानी एक एक करके। ऐसा नहीं है कि 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं, हर स्टूडेंट अलग अलग पढ़ रहा है। ओके, दे डोंट हैव सच क्लास रूम्स वेयर स्टूडेंट सिट टुगेदर। यानी उनके पास ऐसे कोई भी क्लास रूम नहीं है जहाँ बच्चे एक साथ बैठे। दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, किससे पढ़ते हैं वो टेली बुक्स, अब पीछे हमने डिस्कस किया था, आई होप सभी को पता है टेली बुक्स क्या है, जो डिजिटल बुक्स होती हैं जो हमें स्क्रीन्स पे दिखाई देती हैं। ऑलराइट, आई होप द आंसर इज क्लियर, यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट, सो दे डोंट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स। तो उन्हें किताब, जैसे आपके पास है ना बुक हो गई, फिर इंग्लिश की वर्क बुक होती है, ये सब उनको रिक्वायर्ड नहीं होता था। द एग्जामिनेशन सिस्टम भी काफ़ी अलग था, इट्स वेरी डिफरेंट। एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होता है, आप अभी अगर एग्जाम दोगे क्लास नाइन्थ का, आप पेपर पे लिखोगे,
वो पेपर आप सबमिट करोगे, वो चेक होगा, रिजल्ट आएगा, टाइम लगेगा, है ना। यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट था। दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे। मार्गे हैज टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। आपको होमवर्क दिया तो कैसे लिखोगे? लिख के भेजोगे पेपर पे, है ना। यहाँ पे मार्गी को क्या करना होता है? मार्गी को एक पंच कोड है। पंच कोड बेसिकली, इफ यू नो, इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। जैसे हम C++ बोल दिए, पाइथन वगैरह हो गया, तो वैसे ही पंच कोड एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो मार्गी को सिखाई थी जब वो 6 साल की थी। शी लर्नड इट व्हेन शी वाज 6 years old। सो द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स। तो उनकी जो शिक्षा नीति है, जो उनका सिस्टम है, वो काफ़ी टेक्नोलॉजी के मतलब दौर पे काफ़ी एडवांस है, काफ़ी आगे है। एंड इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स, यानी किताब पे प्रिंट बुक्स वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। ऑलराइट, सो दिस वाज योर फुल आंसर। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। देन अगेन, इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स में बटा है। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? पहला तो है, मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? और उसे क्यों लगा कि उसके, यानी पुराने जमाने में, परदादा दादियों के जमाने में, स्कूल में मजा क्यों आता था? तो सिंपल सी बात है, काफ़ी इजी सी बात है भाई, उसको डिजिटल पढ़ना नहीं पसंद था क्योंकि उसको होमवर्क खुद अकेले करना पड़ता था, कोई दोस्त मदद करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग पढ़ाते थे, जिसका माइंड जैसा उसे, मतलब 9th क्लास में भी है तो भी सब अलग अलग पढ़ रहे हैं। सो मार्गी हेटेड अ स्कूल बिकॉज शी हैड अ, सबसे पहला रीजन, अ मैकेनिकल टीचर। इट वॉज इन हर हाउस, दूसरा घर में ही रहता था। शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कम्प्लीट हर होमवर्क टास्क और असाइनमेंट। और वो अकेले उस रूम में बैठ के अपने होमवर्क, असाइनमेंट, जो भी मिलता था वो कम्प्लीट करती थी। द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सो स्लॉट बेसिकली यहाँ है, मान लो आपकी स्क्रीन पे कोई वेबसाइट है, ऐप है ना, अलग अलग स्लॉट होते हैं जहाँ पे आप चीज़ें अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो होमवर्क और टेस्ट पेपर का स्लॉट है, तो वो स्लॉट तो उसे बिल्कुल ही नहीं पसंद था क्योंकि उसे वहाँ होमवर्क अपलोड करने पड़ते थे, वहीं पे टेस्ट पेपर आता था जो उसे खुद से ही सॉल्व करना पड़ता था बिना किसी की मदद के। ऑलराइट, शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन बिकॉज द स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। तो अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट का आंसर देंगे। उसे क्या लगता था कि पुराने स्कूल कितने मज़ेदार होंगे, सब क्लासरूम में बैठते होंगे, बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। दे इंजॉयड, लव्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू इन्हांस देयर स्किल्स। इफ दे आर आइसोलेटेड दे गेट डिप्रेस्ड एंड रिजेक्टेड। क्या चाहिए होता है यार, बच्चों को चाहिए क्या? कंपनी चाहिए, आसपास लोग चाहिए। देखो, आप भी अपने फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखते होगे। किसी फ्रेंड का, कोई फ्रेंड मैथ्स में इंटेलिजेंट है, कोई इंग्लिश में है, कोई सिंगिंग में है, डांसिंग में है, तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है, साथ में बात करते हैं, शेयर करते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, मदद लेते हैं, है ना। क्योंकि अगर आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब है अगर अकेला कर दिया आपने, है ना, तुम अकेले ही पढ़ रहे हो जीवन भर, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा, लोग ही नहीं है बात करने को, है ना। बात करने से तो इंसान हल्का होता है, उसे खुशी मिलती है। अगर कोई भी नहीं है तो उसे डिप्रेस और डिजेक्टेड, यानी अकेला और बोलते हैं ना, दुनिया से दूर लगेगा, परे, डिजेक्टेड लगेगा कि क्या है, हम अकेले ही हैं जीवन में, किसी से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। ओके, सो दीज वर द रीजंस व्हाई मार्गी फेल्ट कि ओल्ड स्कूल जो है बेटर है अभी इनके वाले स्कूल से। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। डू यू अग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब नाउ दिस क्वेश्चन इज प्रॉबेबली आस्क्ड कि आप हमें आंसर बताओ, आपको क्या लगता है कि जो मार्गी ने कहा दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी, यानी मार्गी का जो स्कूल है फ्यूचर वाला, उससे बेहतर हमारे आज के स्कूल हैं, क्या ऐसा है? आप रीजंस दे। ऑल्दो आई हैव कोटेड द आंसर, बट दिस वन आई वॉन्ट कि आप लोग अपने पॉइंट्स इसमें एड ऑन करके लिखे, बिकॉज ऑल आर स्कूल गोइंग, आपको पता है, आप अपनी फीलिंग्स यहाँ पे जरूर बता सकते हैं। सो देर इज नो डाउट दैट टूडे स्कूल्स आर मोर फनी देन द फ्यूचर स्कूल्स डिस्कस्ड इन द स्टोरी। आज के स्कूल ज्यादा मजेदार हैं या ज्यादा मजा आता है, ऑफकोर्स सी बात है, फ्यूचर में कैसे स्कूल्स होंगे पता नहीं, तो जो स्टोरी में दिया है उससे तो बेटर ही है, क्योंकि वी ऑल हैव फेस की वर्चुअल क्लासरूम्स में हम अकेले अकेले पढ़ के हमने देखा है, तो यहाँ पे हम इस बात को अग्री कर सकते हैं। दिस स्कूल हैज नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर विद नो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। यार देखो, मैकेनिकल टीचर रोबोट होता है, रोबोट एडवांस होता है, काम जल्दी करता है, लेकिन कुछ भी कर लो, रोबोट को बनाया तो इंसान नहीं है ना, रोबोट्स में कहाँ इमोशंस होंगे। अजब, आओ, आपने कोई टेस्ट है आपका, ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं,
तो एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन टीचर, हम समझ पाएंगे ना कि कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप नहीं कर पाए, लेकिन रोबोट कैसे समझेगा? तो यही चीज़ है, रोबोट्स हैव नो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है. एज अ टीचर ये बहुत ना ऑब्वियस रहता है कि हर बच्चे के दिमाग में ना कैसी उसकी पर्सनालिटी है, कैसा वो सोचता है, टीचर आराम से पकड़ लेता है कुछ टाइम में. तो मैकेनिकल टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है. मोर ओवर इट गाइड्स अ प्यूपल अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेड मोड्स. प्यूपल यानी यहाँ पे इंसान के लिए किया गया है, ये हर इंसान यानी हर स्टूडेंट को गाइड करते हैं उनके एडजस्टेड मोड्स के हिसाब से. बट टुडे स्कूल्स वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट. अब मैं मानूँ कि जैसे स्टोरी में दिया गया है कि रोबोट हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से चलता है. मान लो क्लास 9th में 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं, ठीक है, हर बच्चे के सब क्लास 9th में ना, सब सेम एज में, मान लो सब 13 इयर्स के हैं, 13 नहीं हो गया यार, कितने साल के हो गए 9th में, हाँ 15 इयर्स के, ठीक है, चलो सब 15 इयर्स के हैं, सब 15 इयर्स के हैं, लेकिन सबके माइंड के हिसाब से वो पढ़ाता है, ठीक है. मैं समझती हूँ कि इसका माइंड कितना ग्रोथ है, इसका माइंड कितना ग्रोथ है, अलग अलग आप पढ़ाते हो मैकेनिकल टीचर, अच्छी बात है ये, आप माइंड के हिसाब से, आईक्यू के हिसाब से पढ़ाते हो. लेकिन आज के स्कूल में हम क्या सीखते हैं यार, हमारे स्कूल्स में ओवरऑल डेवलपमेंट यानी पूरी, क्योंकि मिलेगा जुलेगा सीखेगा कोप अप करेगा पूरा डेवलपमेंट, नॉट ओनली बेस्ड ऑन आईक्यू. सिर्फ आईक्यू ही सब कुछ छोड़ना होता है, लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, किसी का आईक्यू मैंने देखा है कम भी होता है अगर वो निकाला जाए, बट दे आर वेरी स्मार्ट, दूसरे टास्क में वो बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे अभी के स्कूल में कैसा है, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है चाइल्ड का, दे लर्न द सेम थिंग, सब जैसे आप लोग सेम चीज सीख रहे हो, सब सेम चीजें सीखते हैं. द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स, दे लर्न हाउ टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू सराउंडिंग्स एंड कोप विद दीज चेंजेस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यार कुछ भी करो जीवन में बाहर तो निकलना ही है ना, स्ट्रेंजर्स से मिलना है, अनजान लोगों से, तो स्कूल से ही क्यों ना शुरुआत करें. स्कूल में इतने अनजान लोग होते हैं, सब हमारे दोस्त बनते हैं, कैसे एडजस्ट करना है, कोई गुस्से वाला नेचर का है, कोई दुख रोता ही रहता है पूरे दिन, है आंसू बहाता रहेगा, मम्मी मम्मी करेगा, कोई बहुत चालाक होता है, कोई बहुत सीधा, तो ऐसे स्कूल में ही आप चालू हो जाओगे, है ना, स्कूल से ही आप सीखोगे कि कैसे कोप अप करते हैं आगे की लाइफ से. द स्टूडेंट सिट एंड लर्न टुगेदर, दीज एक्टिविटीज डोंट गिव वेंट टू द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन एलिनेशन एंड सेग्रीगेशन. यानी ऐसी टाइप की जो एक्टिविटी है, साथ में बैठना खेलना कूदना, डोंट गिव वेंट यानी किसको प्रोत्साहन नहीं देती है, टू द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, यानी ऐसी चीजें अराइज नहीं हो सकती हैं. डिप्रेशन एलिनेशन सेग्रीगेशन तीनों का मैं आपको कंबाइंड मीनिंग बेसिकली बताऊं तो उदास होना, अलग फील करना, है ना, निराशाजनक रहना, अकेला अकेला आइसोलेटेड फील करना नहीं होता है, किसमें, अभी के स्कूल से. ओके, आई होप दिस आंसर इज क्लियर, यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो एंड होते हैं, उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं हम उस पर आते हैं. एक्सरसाइज में यू फाइंड द हेडिंग थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, यानी ओवर हेयर आपके हर लेसन में ग्रामर का कोई ना कोई टॉपिक दिया गया है. सो आज का जो टॉपिक आपका इस लेसन में है, दैट इज एडवर्ब्स. यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में. ऑलराइट, सो बिफोर दैट मैं पढ़ाना चालू करूँ, उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि एडवर्ब्स हमने सुना है, एडवर्ब्स का सबसे ईजी तरीका है पढ़ाने का मेरा, जिससे आप लाइफ टाइम याद रखोगे, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर इज समथिंग जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी यार. तो एडवर्ब को कैसे याद करोगे, देखो एडवर्ब में एक शब्द दिख रहा है आपको, आपको एडवर्ब में एक छुपा हुआ शब्द दिख रहा है. क्या है वो शब्द, क्लियरली दिख रहा है मैम, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है. एडवर्ब में क्या लिखा है, वर्ब लिखा हुआ है. तो विच मीन्स कहीं ना कहीं एडवर्ब वर्ब से रिलेटेड है. वर्ड क्या होती है, क्रिया. सो एडवर्ब इज बेसिकली क्रिया विशेषण, हिंदी में पढ़ते हो ना क्रिया, एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण. यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताएं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब. द वर्ड्स विच टेल यू अबाउट द वर्ब, है ना, द वर्ड्स विच टेल यू और मॉडिफाई द वर्ब आर कॉल्ड एज एडवर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पे आपको चैप्टर की ही लाइन दी है, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. अब जब यहां पे हमने ये वर्ड देखा कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से, जब हमने कंप्लीट वर्ड में, कंप्लीट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है यानी विशेषण है. अरे कंप्लीट विशेषण है कि नहीं, कंप्लीट, हाफ, फुल,
ये विशेषता बता रहा है कि कोई चीज आधी है, पूरी है, कंप्लीट एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें अगर मैंने एल वाई लगा लिया, कंप्लीट यानी पूरा, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, तो कंप्लीटली लगा दिया मैंने, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ फटाफट, देखो द डॉग, या फिर किसको दौड़ाए अपन बताओ, चलो अंजलि इज रनिंग, अंजलि क्या कर रही है, दौड़ रही है, अरे मान लो अंजलि है कोई, वो दौड़ रही है, तो रनिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया मैम, क्रिया हो गई, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने कहा, तुम सोच रहे होगे अंजलि दौड़ रही है, वाह यार ये तो बड़ी ही स्पोर्टी लड़की है, बढ़िया मस्त दौड़ रही है, तेज दौड़ रही होगी। अब मैंने एक वर्ड लिखा और तुम्हारे दिमाग में सारी पिक्चर चेंज हो गई। आई रोट अंजलि इज रनिंग स्लोली। अब स्लोली जैसे ही मैंने कहा, तुम्हारी पूरी पिक्चर चेंज हो गई, अरे ये दौड़ तो रही है लेकिन कैसे दौड़ रही है, धीरे दौड़ रही है। तो यहां पे वर्ब की विशेषता को किसने बताया, इस वर्ड ने, स्लोली। देखो स्लो में मैंने क्या ऐड कर दिया, एल वाई, ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। होपफुली आपको एडवर्ब्स रिकॉल हो गए हैं, आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन, हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलिए, फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन व्हिच मैच एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। आपको सिंपल सा काम है, एक बॉक्स दिया होगा, इसमें कुछ एडवर्ब्स दिए हैं, ऑफुली, सोरोफुली, कंप्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉनशेलेंटली, एंड ये वर्ड्स आपको अगर याद आए तो ये हमारे लेसन में यूज किए गए थे। आपको सिंपल सा काम है, आपको सिर्फ मैच करना है, यहाँ पे क्या मैच करना है, क्लियर सी बात है, आपको ये वर्ड लेसन में दिए गए हैं, आपको देखना है कौन से पैराग्राफ में ये वर्ड दिए गए हैं एंड उसको मैच करके यहाँ लगा देना है। तो आप बुक्स को अपनी जरूर साथ रखें, सो दैट यू कैन वॉच दी पैराग्राफ्स। यहाँ मैंने लाइन लिख के दिए हैं आपको, पहला क्या है, ऑफुली, ये कहाँ यूज किया गया है, पैरा वन में, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, यानी वो चीज ऑफुली फनी थी। नेक्स्ट इज सोरोफुली, सोरो का मतलब आई थिंक सबको पता है दुखी होना, राइट, सो ये कहाँ यूज है, पैरा थ्री में, Until her mother had shaken her head sorrowfully, उन्होंने अपना सर कैसे हिलाया, sorrowfully, यानी ऐसे ऐसे दुखी होते हुए। All right? Number three completely, यानी पूरी तरीके से, ये पैरा फाइव में है, क्या है लाइन, द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, ये पूरी लाइन है, ये लाइन में जहां यूज हुआ है बीच में से कुछ शब्द निकाल के मैंने आपको लिख के दिए, ठीक है, द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, हिस्ट्री सेक्टर क्या हो गया, ब्लैंक आउट हो गया, कैसे, कंप्लीटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज लॉफ्टली, लॉफ्टली यानी, लॉफ्टली का मतलब मैंने आपको बताया था चैप्टर के टाइम भी याद हो, यानी गर्व से, एकदम प्राउडली उसने कहा, ठीक है, ही एडेड लॉफ्टली, ही कौन था यहाँ पे, टॉमी, टॉमी ने कुछ बात और एड की, तो ये रहा लॉफ्टली इन पैरा सिक्स। नेक्स्ट इज केयरफुली यानी ध्यान से, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, यानी उसने शब्द का उच्चारण कैसे किया, बहुत ही ध्यान से। द लास्ट वर्ड इज डिफरेंटली, यानी अलग तरीके से, ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इफ दैट इज क्लियर, सेकेंड एक्टिविटी आते हैं हम एडवर्ब्स की। नाउ यूज दिस एडवर्ब्स टू फिल इन ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस बिलो। सिंपल सा काम है, अभी जो आपको बॉक्स दिया था वो एडवर्ब्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस पढ़ना है, अच्छे से समझना है, एंड उसमें जो प्रॉपर एडवर्ब लगता है उसे ऐड करना है। अब अगेन इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, सेंटेंस को समझना पड़ता है, ये सेंटेंसेस आपके लेसन में से नहीं दिए गए हैं। ओके, सो नंबर वन रीड करते हैं, द रिपोर्ट मस्ट बी रेड डैश सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव, यानी कोई रिपोर्ट होती है अगर तो उसे डैश तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि जो अगली बार परफॉर्मेंस है उसमें हम सुधार ला सकें, इम्प्रूव ला सकें। तो काफी बेसिक सी बात है, क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, रिपोर्ट को कैसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, यानी केयरफुली, द रिपोर्ट मस्ट बी रेड केयरफुली सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। देखो क्या किया हमने, कॉमन सेंस लगाया, बात को समझा एंड देन करेक्ट वर्ड पुट किया। ओके, आप लाइन पढ़ के उसको हिंदी में भी समझ सकते हो एंड देन आप करेक्ट वर्ड यूज करना। नंबर टू, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस डैश श्रगिंग हिज शोल्डर्स, यानी इंटरव्यू के दौरान समीर ने हमारे आंसर्स कैसे दिए, लॉफ्टली श्रगिंग हिज शोल्डर्स, यानी अपने शोल्डर्स को ऐसे ऐसे श्रग करते हुए, ठीक है।
नंबर थ्री, वी ऑल बिहेव डैश व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री. हम कैसे बिहेव करते हैं अलग तरीके से जब हम थक जाते हैं, होता है ना, सबसे ज्यादा होता है जब भूख लगती है ना, तब तो हम अलग ही बिहेव करते हैं. कुछ लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, है कि नहीं. चलिए नंबर फोर, द टीचर शूक हर हेड डैश व्हेन रवि लाइड टू हर. टीचर ने अपना हेड कैसे, देखो शूक वर्ड क्या है, शेक का पास्ट टेंस है, ठीक है. शूक, शेक यानी ऐसे से हिलाना, तो शूक उसका ही पास्ट टेंस है. सो द टीचर शूक हर हेड सोरोफुली व्हेन रवि लाइड टू हर. तो जब रवि ने टीचर से झूठ कहा तो टीचर ने, अब यार ऑब्वियसली बात है टीचर दुखी हो जाएगा अगर उनका स्टूडेंट उससे झूठ बोलेगा, है ना. तो सोरोफुली यानी दुखद तरीके से उन्होंने अपना सर हिलाया कि नहीं नहीं बेटा ये क्या कर दिया ये. चलो नंबर फाइव, आई डैश फॉरगॉट अबाउट इट. मैं उसके बारे में भूल गई. कैसे भूल गई, पूरी तरह से भूल गई, यानी आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट. नंबर सिक्स, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड डैश एंड टर्न्ड अवे. जब मैंने रेवती को उसकी सक्सेस पे कॉम्प्लीमेंट दिया, बधाई दी, तब शी जस्ट स्माइल्ड नॉनशैलेंटली एंड टर्न अवे. उसने कैसे स्माइल किया, नॉनशैलेंटली, और वो मुड़ गई. विच मीन्स नॉनशैलेंटली मीन्स, यानी जैसे अपने चैप्टर में डिस्कस किया था ना, टॉमी जैसे नॉनशैलेंटली आंसर देता है, कैजुअली, यानी बहुत ही अनएक्साइटेड मैनर में. बिल्कुल ये नहीं सोचो आप किसी को एकदम खुशी से बधाई देने जा रहे हो और कहते हैं हाँ थैंक्स, तो यानी एकदम कैजुअली आंसर देना, बिल्कुल अनएक्साइटेड, उदासीन हो के. ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर सेवन, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज डैश बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू. जो कंपनी का प्रेसिडेंट है वो कैसा बिजी है, बहुत बिजी है. तो यहाँ पे बहुत का क्या वर्ड है, ऑफुली. ऑफुली का मतलब क्या होता है, बेसिकली वेरी मच. पीछे भी हमने देखा था ऑफुली का मतलब होता है वेरी मच, वेरी वेरी मच. सो बहुत ज्यादा बिजी है और आपसे नहीं मिल पाएंगे. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आई फिनिश्ड माय वर्क डैश सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले. आई फिनिश्ड माय वर्क क्विकली. मैंने अपना काम जैसे आप सब करते हो फटाफट से काम कंप्लीट करते हो ताकि बाहर जाएं और खेले कूदे. ओके सो दीज वर ऑल दी एडवर्ब्स, होपफुली आपने सही तरीके से इन्हें ऐड किए होंगे. चलिए तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे एडवर्ब को. क्या बताया है आपको, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स एक्शन. ये हमें पता है एक्शन को डिस्क्राइब करता है, यानी क्रिया की विशेषता को बताता है, इसलिए हम क्या कहते हैं एडवर्ब को, क्रिया विशेषण. यू कैन फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स. सिंपल सी बात, जैसे रेसिपी होती है, रेसिपी आती है ना कुछ, जैसे चाय बनानी है तो आपको क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए, है ना, बनाने के लिए कुछ चाहिए होता है. तो वैसे ही आप एडवर्ब्स भी बना सकते हो, किचन में नहीं बना सकते हो लेकिन यहाँ पे कॉपी में बना सकते हो. कैसे, विशेषण पता है ना, एडजेक्टिव्स, सिंपल सा काम है. आप एडजेक्टिव्स में एल वाई जोड़ दो, यानी ये एक फॉर्मूला दे रही हूँ, इसको जरा लिख तो लो. कैसे लिखोगे, एडवर्ब्स इज इक्वल टू, मैथ्स आ गई मैम, है ना, देखो एडजेक्टिव्स प्लस एल वाई. अब बन गया आपकी एडवर्ब की डिश कंप्लीट. जैसे एग्जाम्पल दूं, चलो एडजेक्टिव ले लो, कोई भी विशेषण ले लो, फास्ट, तेज, एफ ए एस टी फास्ट, एल वाई लगा दिया, फास्टली, ठीक है. आप ले लो, क्या ले लो, फास्ट का उल्टा ले लो, स्लो, स्लोली, ओके, हैप्पीली, मेरिली, सैडली, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे हमारे एडवर्ब्स, ठीक है. नाउ एक छोटी सी यहाँ पे चीज है, क्योंकि अभी सबने सुना होगा, पलक मैम आपने कहा हैप्पीली, लेकिन हैप्पीली ऐसे नहीं लिखते हैं, हैप्पीली नहीं होता है, इसमें हम क्या लगाते हैं, आई एल वाई. किस कंडीशन में लगाते हैं, जो भी कोई एडजेक्टिव वाई से एंड होता है, ध्यान से सुनना, कोई भी एडजेक्टिव अगर वाई से एंड होता है तो वाई चेंजेस टू आई. यहाँ पे खाया पलट कर रहे हैं हम, खेल पलट कर रहे हैं. क्या वाई को हटा के हमने कहा यार हमको दो दो वाई नहीं चाहिए, तो उसकी जगह हम आई लिख देते हैं. केस है ये, कौन सा केस, जब भी कोई एडजेक्टिव वाई से अंत होता है. जैसे एग्जाम्पल दूं, हैप्पी में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है ना, मुझे एडवर्ब बनाना है, मैं क्या करूंगी, वाई को हटा दूंगी. वाई को हटाया, क्या लगाया, आई लगा दिया उसकी जगह, एंड एल वाई तो पता ही है, हैप्पीली. जैसे यहां क्या वर्ड दिया है, एंग्री, तो एंग्री में क्या है, वाई है, तो मैं वाई को हटा दूं, मैं वाई को हटा दूं, वाई को हटा के क्या लगाऊं, आई, एंड एल वाई, एंग्रीली. और भी कोई वर्ड्स हैं तो आप उनको जरूर फॉर्म
कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब्स की रेसिपी आ गई सबको बनाने, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको दिए गए हैं, अब फाइनली कर सकते हो, अब तो क्विकली कर सकते हैं सब। मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। एंग्री क्या हो जाएगा? एंग्रीली। हैप्पी, हैप्पीली। इसमें डोंट टेक मच टाइम, करेक्ट कर लोगे। मेरी, मेरीली। सब में देखो वाई आ रहा है एंड में। स्लीपी, स्लीपीली। ईजी, ईजीली। नॉइजी, नॉइजीली, यानी बहुत ही ज्यादा आवाज। टाइडी, टाइडीली। टाइडी मतलब क्या होता है? नीट एंड क्लीन तरीके से। एंड ग्लूमी, ग्लूमीली। ग्लूमी मतलब होता है उदास, है ना, उदास टाइप। ओके, तो आपको एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आते हैं तो इसमें तो कहीं भी आपको ग्रामर में कहीं भी मार्क्स लूज नहीं करने हैं, क्वाइट ईजी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलिए अब सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट इज इफ नॉट एंड अनलेस। इफ नॉट एंड अनलेस, इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं? आपको क्या, इमेजिन दैट मार्गीज मदर टोल्ड हर। इमेजिन करो कि मार्गी की माँ ने उससे कहा, यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। शी कुड ऑल्सो से यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। अब बोलो मैम इसका मतलब क्या है? देखो, किसी भी बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर मैंने कहा, मार्गी की मम्मी ने नहीं, मार्गी की मम्मी ने उससे शायद कहा हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा अगर तुमने अपना हिस्ट्री लेसन कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। अगर तुमने अपना ऑफुल का, यहाँ पे देखो एक वर्ड के दो तीन मीनिंग हो सकते हैं, तो एक ऑफुल का मतलब होता है बुरा लगना, है ना। तो यहाँ पे मार्गी की मम्मी कहती है तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा इफ, यानी अगर, हिंदी में सुनो उसको ध्यान से, अगर तुमने अपना हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट नहीं किया। लेकिन ये इसे अलग तरीके से, एवरी टाइम ऐसे इंग्लिश को हम मॉडिफाई करके, अब सेकंड क्लास में जो इंग्लिश बोलते हो वही नाइन्थ में बोलोगे तो क्या मजा आएगा, है कि नहीं। थोड़ा चेंजेस आप ला सकते हो ना, मॉडिफाई कर सकते हो, एडवांस हो सकते हो। सो शी कुड ऑल्सो से, वो ये भी कह सकती हैं, यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तुम्हें जो है बुरा लगेगा अनलेस, जब तक तुम अपना हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट नहीं कर लोगे। So, unless का मतलब भी यहां पे होता है क्या? If not, अगर तुम नहीं करोगी, if not, if you don't, तो unless का यहां पे basically मतलब क्या है? If not होता है। अब आपको सेंटेंस के हिसाब से टेंसेस चेंज कर सकते हो, जैसे if you don't कहा, इसका मतलब तो ना ही होता है ना, don't का मतलब ना ही होता है। सो सेंटेंसेस विद unless और if not आर नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। इन टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? आपको नेगेटिव समझ आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो भी सेंटेंसेस जिसमें नो या नॉट आता है वो नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं। कंडीशनल का मतलब क्या है? कभी देखा है कंपनीज में या एड में आता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यानी कोई शर्त है। तो यहां पे कौन सी शर्त है? इफ की शर्त है। If word का मतलब क्या होता है? अगर, अरे दोस्त को नहीं कहते हैं, अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं जो है तेरी पेन वापस नहीं दूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात थी, वो तो समझाने के लिए था। तो अगर यानी क्या होता है? कंडीशन होती है। जैसे मम्मी घर में कंडीशन देती हैं, अगर वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो बाहर नहीं जाने दूंगी। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव बात कह दी, एक तो मम्मी ने नहीं जाने दूंगी और दूसरा कंडीशन भी रख दी कि बेटा ये करोगे तो ये होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। एवरी टाइम ऐसे इन कॉन्सेप्ट को रटा मत करो कि क्या होता है इफ नॉट अनलेस, क्या होता है नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। रट रहे हैं बैठ के, रटना क्या है? एक एक वर्ड का अपना मीनिंग है, उसे समझो, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। ऑलराइट, आगे आते हैं। नोटिस दैट दी सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स। द पार्ट दैट बिगिंस विद इफ नॉट और अनलेस टेल्स अस दी कंडीशन। जो भी पार्ट इफ नॉट या अनलेस से शुरू होता है, सिमिलर सी बात है, अभी वो मम्मी वाला एग्जाम्पल दिया तो उसमें क्या थी कंडीशन? क्या कंडीशन थी? अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे, if you will not complete your homework, ये पहला पार्ट है। इसमें क्या होगा? This part has a verb in the present tense, है ना। जैसे आपने देखा यहाँ पे, for example आप देखो, you will feel awful unless you finish your history lesson। तो यहाँ पे आपको कैसा लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा, ठीक है, अगर आपने अपना लेसन कंप्लीट नहीं किया। तो स्टार्टिंग पार्ट में वर्ब है और आगे आप सेंटेंसेस को अपने हिसाब से कंप्लीट, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो उसमें। तो लेट्स सी, We have a few of them. आप इनको complete कर सकते हैं। Other part of the sentence क्या होगा? एक possible result. मैं इस example को आपको लिख के देती हूँ। If, क्योंकि ये सबसे relatable है ना? If you will not complete your homework, not be allowed to play। चलो भाई, घर घर की कहानी है कि नहीं।
होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, खेलने नहीं जाना है, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, मोबाइल नहीं उठाना है. तो इफ यू विल नॉट, तो अभी ये जो पीछे बात समझाई जा रही थी ना, जिसका दिमाग घूम गया कि मैम अरे वर्ब क्या है, अरे ये क्या है, वो क्या है, देखो इफ यू विल नॉट, विल समझ आता है, विल नॉट, विल क्या है, वर्ब है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब है. इफ यू विल नॉट कंप्लीट, ये कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको दिया है. इफ यू विल नॉट कंप्लीट, तो ये क्या है, आपका वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीट वर्ब है. अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, और ये क्या हो गया, इफ, ये कंडीशन लग गई. सेकंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है, देखो कॉमा लग गया. सेकंड पार्ट क्या है, विल नॉट हैपन वाली चीज, कि ये नहीं करने को मिलेगा. तो यू विल नॉट बी अलाउड टू प्ले, यहां क्लियरली दिया है, सेकंड पार्ट इज अ पॉसिबल रिजल्ट, कि ऐसा हो सकता है, या फिर इसका ये भी हो सकता है कि इफ यू विल नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, यू विल बी अलाउड टू प्ले. वैसा ऐसा कभी होता नहीं है, बट बता रही हूं मैं कि सेकेंड पार्ट क्या है, पॉसिबल रिजल्ट है, कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए भाई, एंड यहाँ पे विल का यूज किया जाता है, हाउ यू विल नॉट, यू विल फील, यू विल डू, क्लियर है. नाउ नोटिस दिस टू टेंसेज अगेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अब आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम, है ना, यहाँ पे कोई भी बुक्स नहीं बची रहेंगी अनलेस, अगर हम इन्हें प्रिजर्व नहीं करते हैं. यू वोंट लर्न योर लेसन इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, आप अपने लेसन, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अपने लेसन नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ोगे. डेली पढ़ना बहुत जरूरी है. टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली, टॉमी का एक्सीडेंट हो जाएगा अगर वो धीरे चलाएगा, यानी अगर अनलेस, यानी जब तक वो धीरे नहीं चलाएगा तब तक वो नहीं बचा रह सकता, उसका एक्सीडेंट हो सकता है. सिंपल. नेक्स्ट, ये जो हमारी एक्टिविटी है, ये हमारी एक्सरसाइज की लास्ट एक्टिविटी है, तो आई होप सब इसे सही से सॉल्व करेंगे. क्या करना है, साथ में कंप्लीट करते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको वर्ब का, क्रिया का सही फॉर्म यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना. इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट, आप अपनी कंडीशन रख सकते हैं, या मैंने सेंटेंस बनाया है, आपको सेंटेंस में कोई और आइडिया आ रहा है, यू कैन डू इट. इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट, अगर मैं आज रात अनु की पार्टी में नहीं गई, शी विल गेट अनोयड. देखो विल यूज किया है, और ये क्या है, सेकेंड पार्ट में हमने रिजल्ट बताया है कि क्या होगा, वो अनॉय हो जाएगी, अनॉय यानी चिढ़ जाएगी मुझसे. ठीक है. नंबर टू, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अगर आप होटल में कॉल नहीं करेंगे फूड ऑर्डर करने के लिए, यू विल मिस योर इवनिंग मील, तुम जो है अपने शाम का खाना मिस कर दोगे, फिर तुमको भूखे रहना पड़ेगा. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. अनलेस यू प्रोमिस टू राइट बैक आई डैश, जब तक तुम मुझे प्रोमिस नहीं करते कि तुम मुझे वापस से जो है रिप्लाई करोगे, आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू, तब तक मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता रहूंगा. इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम्स, अगर वो कोई गेम नहीं खेलती है, शी विल बिकम लेथार्जिक एंड अनफिट. तो ये सभी के लिए है जो यहाँ अभी बैठ के सुन रहे हैं, कि अगर आप कोई गेम्स नहीं खेलते हो तो आप कैसे हो जाओगे लेथार्जिक. लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी. ठीक है, आलसी हो जाओगे और अनफिट हो जाओगे, शरीर बिल्कुल ही जो है काम ही नहीं करेगा ढंग से, है ना. एंड फिफ्थ क्या है, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली द कैट, यानी जब तक वो छोटी सी बर्ड उड़ के नहीं चली जाती, द कैट विल पाउंस ऑन इट, कैट जो है उसको वहां पे परेशान करती रहेगी. ओके चलिए, पाउंस बेसिकली क्या होता है, पाउंस होता है कि वो उसको देखती रहेगी, उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करती रहेगी, परेशान करती रहेगी. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा था, ये थी हमारी लास्ट एक्टिविटी. होपफुली आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन से काफ़ी सीखने को मिला होगा, एंड जो है आप आंसर्स अच्छे से नोट डाउन करें, उन्हें अच्छे से रिमेंबर करें, अपनी पढ़ाई रेगुलरली करें. मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय.